जोधपुर में नगर निगम के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर जोधपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू ने प्रेस वार्ता की और इन 2 सालों में अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियां बताईं। महापौर जगत बहादुर का कहना है कि पिछले 2 सालों में जोधपुर नगर निगम ने विकास के नए आयाम तय किए हैं और इन्हें करने की पूरी कोशिश भी जारी है। जोधपुर कई मामलों में प्रदेश और देश में 1 बन चुका है, चाहे स्वच्छता हो या साफ सफाई या फिर एयर क्वालिटी, सभी में जोधपुर का बल स्थान है। जोधपुर शहर में जल प्लावन की समस्या पर भी काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और जिस तरह से नागरिकों का सहयोग मिल रहा है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में जोधपुर महानगर बनेगा और जोधपुर नई ऊंचाइयां छुएगा। जबलपुर नगर सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए, आप सभी शहरवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 वर्षों में हम लोगों ने जो कहा वो किया और निश्चित तौर पर जो आगे कहेंगे उसको करेंगे। हम लोगों का माँ नर्मदा में गंदे नाले मिलने वाला संकल्प भी पूरा हुआ, अब साफ पानी माँ नर्मदा में जाता है। हम लोगों ने 303 करोड़ से ज़्यादा की राशि की सड़क और नालियों का निर्माण किया, अधोसंरचना पे पैसा खर्च किया। हम लोगों ने 311 करोड़ से हर घर नर्मदा जल पहुँचाने का काम शुरू कर दिया और इसके पहले हम लोगों ने 50 करोड़ से ज़्यादा की राशि के इस बार जल पर काम किया, जिससे जल संकट बहुत मात्रा में राहत मिली हमको। जल प्लावन पे हम लोगों ने बहुत काम किया, चाहे स्वच्छता सफाई की बात हो, चाहे स्वच्छता की रेटिंग की बात हो, चाहे स्वच्छता की रैंकिंग की बात हो, बहुत पहले से सुधार हुआ। हम लोगों ने अतिक्रमण भी थे तो उसको तोड़े और हम लोगों ने निश्चित तौर पर जल प्लावन से भी बहुत राहत हम लोगों को मिली है। हम लोग मध्य प्रदेश में बहुत सारे मामलों में 1 पर है और देश में भी बहुत सारे मामलों में हम लोग ऊँचे स्थान पर हैं। जल जो हमारी वायु है प्रदूषण के मामले में, हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग को 100 में से 100 अंक केंद्र सरकार ने दिए हैं, जो सिर्फ 6 शहरों को पूरे देश में दिए और मध्य प्रदेश का हम लोग एक लौता शहर है। सबसे ऊंचा हम लोगों ने 75 मीटर का राष्ट्रध्वज जबलपुर शहर में लगाया और भारत माता की प्रतिमा तैयार है, मंदिर बहुत जल्द निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों ने माँ पार्वती के नाम से, माता गौरी के नाम से गौरी घाट का हम लोगों ने नामांकन किया, जो अपभ्रंश गौरी घाट चलता था वो माता गौरी के नाम से हुआ है। विकास के नाम पर हर पहलू पर कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा हो। 2 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से जबलपुर शहर में काम हुए हैं और अगले आने वाले 3 वर्षों में हमारा शहर विकसित होगा, इंदौर भोपाल से रेस में आगे दौड़ेगा और महानगर बनेगा। हम सब, हमारी सम्माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, हमारे नगर की जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं और सभी लोग हैं, सब साथ में मिलकर, आप सबके साथ में मिलकर, नागरिकों के आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग जबलपुर शहर को आने वाले 3 वर्षों में महानगर बनाएंगे। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।